अस्सलाम वालेकुम, हम आज बना रहे हैं चिकन हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके लिए हमको चाहिए 750 ग्राम बोनलेस चिकन, थाइज एंड चेस्ट मिक्स है, एंड उसके बाद हरा धनिया है और क्रीम है 4 टेबलस्पून, एक टमाटर है, दो प्याज हैं मीडियम साइज़ के, योगर्ट है, ये दही 250 ग्राम्स है ये, और केचप है 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 4 हरी मिर्चें हैं, हाफ़ से तकरीबन 1 टीस्पून ये सूखी मेथी है, कसूरी मेथी, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून। हम हाफ कप ऑयल डाल रहे हैं पहले, कप ऑयल, और उसमें ये प्याज डाल देंगे, प्याज को सौते करेंगे। खाना इसमें हम चिकन डाल देंगे, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। आग जो है वो मीडियम ही रखनी है, आहिस्ता नहीं करनी वरना चिकन पानी छोड़ देगा। साथ ही इसमें टमाटर डाल दें, अब इसमें 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं, अब इसमें मसाले डालेंगे, नमक, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून और हरी मिर्चें ये 4 कटी हुई हैं, ये अभी चली जाएंगी इसमें, और 1 टीस्पून मेथी, कसूरी मेथी ये भी अभी डाल देंगे, मिक्स कर दें। और इसमें ये 1 कप दही है, इसको फेंक लिया, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, ये डालेंगे, मिक्स कर दें। पाँच मिनट गुजर गए हैं, अब दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया यहाँ, तो अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम, तकरीबन 100 ग्राम इसमें क्रीम डाल दी है हमने, मिनट क्रीम डालकर इसको पकाया, और फिर इसमें जा रही है केचप, तकरीबन 4 टेबलस्पून केचप की, इसे भी मिक्स कर दें। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा अब इसमें, बस इसको अब 1 मिनट पकाएंगे, केचप डालकर ज़्यादा नहीं पकाना, और ध्यान रखना इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, वरना ठंडा होने के बाद ये बोटियाँ बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा।
इस घी ऊपर आ जाए तो उतार लें। बस चूल्हा बंद कर दें और ये तैयार है। टेबल स्पून इसमें बटर डाल दें, बस ये रेडी है।